तो आज के हमारी इस एडवांस एक्सेल की क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मेथड के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एक्सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल फाइल को खोलते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा ऐसे ही सैंपल डाल देते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें पासवर्ड लगाना है ताकि हमारे डेटा को कोई किसी तरह से चेंज ना कर सके। हमें इसके अंदर पासवर्ड लगाना है ताकि कोई डेटा को चेंज ना कर सके। तो कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए प्रोटेक्ट सीट। अब सीट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप होम मेनू बार में या फॉर्मेट के नीचे आपका प्रोटेक्ट सीट होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और तीसरा जो कि रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट सीट होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग सीट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट करते हैं। प्रोटेक्ट सीट कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए और पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए। अब ध्यान रखिए पासवर्ड कन्फर्म करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट साफ साफ बता रहा है कि इफ़ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब कि अगर आप एक्सेल की किसी भी पासवर्ड सर्विस को भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर माइक्रोसॉफ्ट करके नहीं देगा, इसलिए पासवर्ड डालते समय होशियारी रखिएगा। पासवर्ड को कन्फर्म करके मैंने ओके कर दिया तो अब मैं कहीं भी किसी भी तरह की चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डेटा को देख सकता हूं, डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद हम यहां किसी भी सीट पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब यहां मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगी कि सिलेक्शन करके कॉपी की जा सकती है। हम कॉपी को यहां से डिसेबल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई भी इसको कॉपी कर सके। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमें सिंपल कॉपी को तो नहीं रोक सकते क्योंकि कॉपी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल, कॉपी विंडो का पार्ट है। लेकिन हम बिना सिलेक्शन के तो कॉपी नहीं कर सकते ना। जब तक हम डेटा सिलेक्ट ना करें तब तक कॉपी करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन को हटा देंगे। सबसे पहले तो मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं, फिर अनप्रोटेक्ट करने के बाद वापस सीट को प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्ट करने के बाद यहां हम अपना पासवर्ड डालने से पहले एक चीज देख लीजिए, क्या है सिलेक्ट लॉक सिलेक्शन, मतलब कि है क्या है। बेसिकली ये अलाउ करते हैं, यूजर पे लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब यूजर्स को अलाउ करते हैं कि आफ्टर द प्रोटेक्शन ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट सेल करके पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद भी हम जो है कुछ टाइप तो नहीं कर सकते बट सेल की फॉर्मेटिंग जरूर कर सकते क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को अलाउ किया है। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम अनप्रोटेक्ट करते हैं, वापस प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ सिलेक्शन मेथड मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब सिलेक्शन में यहाँ दो है, लॉक्ड अनलॉक्ड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि सिलेक्शन हटाना है, हमने सिलेक्शन को हटा दिया। अब सिलेक्शन हटाने के बाद मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा, और जाहिर सी बात है अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तो कॉपी भी नहीं होगा, तो क्लिक भी नहीं होगी तो कॉपी भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन आता है कि हम यहां किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर लीजिए, जरिए वो पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके, ठीक है। तो
क्या है कि जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक्ड अनलॉक क्या होता है? यहाँ पे प्रोटेक्ट, यहाँ पे दिख रहे हो आप, यहाँ की ओर देख लीजिए कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। अब इससे पता चलता है जो प्रोटेक्शन अप्लाई होती है वो सिर्फ लॉक सेल पे अप्लाई होती है। तो अब चलिए जानते हैं लॉक सेल। देखिए बाय डिफॉल्ट हर सेल की प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, प्रोटेक्शन पे जाएंगे, तो जो लॉक्ड दिख रहा है ना इस पर क्लिक किया हो, तो बाय डिफॉल्ट जिस पे लॉक पे क्लिक है इसका मतलब कि वो लॉक्ड है, मतलब कि वो पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। अगर चेक करके ओके कर दूंगा तो अनलॉक्ड है, पासवर्ड को सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी प्रॉपर्टी को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हमने फॉर्मेट सेल पे जाके इसके लॉक्ड को अनचेक कर दिया। हमने क्या कर दिया, लॉक्ड को अनचेक कर दिया। एंड ओके किए। अब जो देख पा रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हमारी लॉक हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हमारी लॉक हो गई। लेकिन अभी तो हम टाइप कर पा रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी लॉक हुआ है, सीट थोड़ी लॉक हुआ है। तो सीट लॉक करेंगे तो अब हम जाके हम ओके करते हैं, तो अब देखिए मैं कहीं और टाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइप कर सकते क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक कर दी थी। समझे? अब चलिए इसका उल्टा करते हैं। अब इसका उल्टा मतलब ये जो हमने किया इसी के जस्ट अपोजिट, हमने ये जो किया इसी के जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब कि मैं अपने पूरी सीट को अनलॉक रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कहीं भी किसी तरह का टाइपिंग कर सकूं बट इस रेड एरिया पर ना कर सकूं। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग, आज लेट हो गए आप। तो यहां हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि हर सीट डिफॉल्ट, जितने भी सीट्स है डिफॉल्ट यहां पे लॉक्ड होता है। तो हमने पहले पूरी सीट को सिलेक्ट किया, वन और ए दोनों को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसकी अनलॉक्ड को यहां से हटा दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि अब मैं अगर सीट के ऊपर पासवर्ड डालूंगा तो हर जगह टाइप कर सकता, लेकिन मुझे इस रेड एरिया में तो टाइप नहीं करना था ना, तो वापस मैं रेड एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इस पे लॉक्ड कर दूंगा, फिर राइट क्लिक प्रोटेक्ट शीट, यहां पे पासवर्ड डालू और ओके कर। तो देखिए यहां पे टाइप नहीं कर सकता पर नीचे टाइप कर सकता। अब इसी का बेनिफिट क्या है, अब इसकी बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, नेम रोल नंबर, नेम यहां पे क्वांटिटी एमआरपी, अमाउंट कमीशन जीएसटी टोटल, फिर डेट एंड टाइम। ये मेरी डेटा एंट्री करना है, मुझे मान लीजिए इस पे डेटा एंट्री करना है। तो अमाउंट क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। कमीशन क्या है, अमाउंट का मान लीजिए 2% और जीएसटी भी अमाउंट का हमारा 18%, और टोटल आपके सामने आ गया और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगा।
ओके अब यहाँ पे हम लिखते हैं पूजा 50 60, एंटर प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके यहाँ। फिर यहाँ पे डेट और यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं, राइट सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम टाइप करते हैं तो हमें 1 2 3 4 चार कॉलन पार करना पड़ता है। जब भी हम टाइप करते हैं हमें चार कॉलन पार करना पड़ता है। कुछ ऐसा किया जाए कि ये ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे कि पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल और हम यहां पे अनलॉक कर दिए। और जो फॉर्मूलेज है ना उसको सिलेक्ट करके प्रोटेक्ट सील करके उसको लॉक कर देते हैं। अब हम पासवर्ड डालते समय यहां पे एक अप्लाई था, एक मैंने कि अलाउ था कि सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक सेल कौन सा है? वो है DEFG और अनलॉक बाकी है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट अनलॉक को यहां से अनचेक कर दिया एंड ओके किया। अब मैं यहां पे पासवर्ड डालूंगा, यहां पे लॉक करके ओके कर दिया। अब यहां हम कुछ डालते हैं, जैसे मैंने ओम डाला, नंबर डाला। अब देखिएगा जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा ना, कर्सर मेरा यहां से उठ के डायरेक्ट यहां डेट पे जाएगा। तो ये क्या हुआ कि अब मैं अपना ये फॉर्मूला सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। जब फॉर्मूला सिलेक्ट ही नहीं करूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, तो फॉर्मूला सिलेक्ट ही नहीं कर सकता इसका। हम एक अगर फॉर्म वगैरह हम बनाते हैं तो यहाँ इसका अच्छा खासा यूज हो सकता है। जैसे कोई फॉर्म वगैरह होता है हमारे पास, देख लेते, कोई फॉर्म है नहीं मेरे पास, हाँ ये फॉर्म तो है। अभी जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ना सर, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहां से, अब यहां से एंटर मारता हूँ कर्सर यहां जाता है। अब मैं यहाँ पे टैब मारता हूँ तो यहाँ आता है, फिर यहाँ जाना होता है, फिर यहाँ ऐसे घूमना पड़ता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मुझे टाइप करना है ना कर्सर वहीं ही जो है वर्क करे। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया और इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, चार नहीं पांच है ना, पांचों को सिलेक्ट कर लिया, कर लिया। अब मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और इसको करूंगा लॉक, हटा दूंगा, इसलिए ताकि मैं इस पे कोई टाइपिंग कर सकूं। और फिर पासवर्ड डालते समय सीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट सीट पे जाऊंगा और पासवर्ड डालते समय मैं यहां लॉक्ड को हटा देता हूं, सिर्फ अनलॉक्ड रखता हूं, देन ओके। अब यहां पे मैं करता हूं, जैसे मैं लिख दिया पूजा और जैसे टैब प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर अब यहाँ बीच में नहीं, डायरेक्ट कहाँ आएगा, लास्ट नेम सिंह। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट यूज यहाँ पे आएगा, यूजर नेम पे, यूजर नेम नीचे आया ना, यहाँ नीचे था, इस नीचे आया, यहाँ से यहाँ एंटर करने पे नीचे ही आएगा सर। तो यहाँ पूजा, यहाँ पे नंबर 1 टैब, टैब प्रेस कीजिए, ये आ गया। और इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर जाएगा, तो कर्सर आपका वही मूव करेगा जहां जहां आप वर्क करेंगे, बाकी जगहों पे मूव ही नहीं करेगा कर्सर, कहीं पे क्लिक भी नहीं होगा। समझ में आ रही है आप लोगों सर? विपिन हाँ जी, जी कोई डाउट, महेंद्र जी कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़े सर। अब यस मान सर, लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू में कुछ फॉर्मूला लगा रखा है। फिलहाल तो मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मूला ना देख सके। तो हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में ही गया और
और यहीं पे आपके सामने दिखेगा प्रोटेक्शन के नीचे हिडन, हमने हिडन पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि इधर फॉर्मूला दिख ही रहा है, लेकिन हाँ ये तब हटेगा जब राइट क्लिक करके आप प्रोटेक्ट शीट करेंगे। अब देखिए, अब मैं जैसे इसके कर्सर दे रहा हूं तो यहाँ पे 85 ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ 85 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बट इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं कॉपी करके कहीं पेस्ट भी करता हूँ ना तो वर्थ नहीं करेगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, जस्ट उसकी वैल्यू आएगी, फॉर्मूला नहीं आएगा। अब चलिए बात करते हैं कि हमें एक ही से सीट पे दो या दो से अधिक पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक सीट पे दो लोग या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, हम चाहते हैं सबके लिए हम अलग अलग पासवर्ड रखें। मान लीजिए मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, मैं चाहता हूँ मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर अलाउ एडिट रेंज, हम इस पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए, नाम दे दीजिए ए और फिर यहाँ मिस्टर ए का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया पे वो काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके कर दीजिए, फिर अगेन न्यू और यहां पे बी दिया और हम मिस्टर बी के एरिया को सेलेक्ट कर और मिस्टर बी का डिफरेंट पासवर्ड हम यहां पे डालते हैं एंड अप्लाई करके ओके कर देते। देखिए आप अब टाइप कर सकते हैं, तो टाइप तो कर ही पा रहे हैं दोनों पे, ये तभी इफेक्टिव होगा जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके। अब मैं इस दोनों कलर एरिया के अलावा कहीं काम नहीं कर सकता, बट यहां जैसे ही काम करने जाऊंगा मुझसे पूछेगा पासवर्ड। अब मान लीजिए मैंने पासवर्ड डाल दिया तो मैंने मिस्टर ए का पासवर्ड डाला, अब मैं मिस्टर ए के एरिया पे काम कर सकता हूं बट मिस्टर बी के एरिया पे जाऊंगा अगेन पासवर्ड, और पासवर्ड कब, मान लीजिए मैंने ए को अनलॉक कर दिया हुआ है, कब तक अनलॉक रहेगा? जब तक कि फाइल हमारी रीओपन नहीं होती है, जैसे फाइल रीओपन होगी ये आपका डीएक्टिवेट फिर से वापस लॉक हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसमें एक से तीन भी लगा सकते हैं ना, जितना भी लगाना चाहे। हाँ जितना लगाना चाहे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इसमें बात आती है कि मैं किसी भी सीट को हम डिलीट कैसे बजा सकते हैं। जैसे अभी तो सिंपल से सेलेक्ट करेंगे और सीट को डिलीट कर देंगे, लीजिए ग्रैब। तो इसके लिए रिव्यू के अंदर ही आपको दिखेगा प्रोटेक्ट वर्क, इस पे पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए। अब जो है आप किसी भी सीट को डिलीट कर सकते हैं, नई नई सीट ला सकते हैं, न कुछ भी कर, सीट के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते आपका सीट का स्ट्रक्चर लॉक हो गया, लेकिन फाइल ओपन अभी भी हो सकती है। तो फाइल को ओपन मतलब कि ओपनिंग पासवर्ड लॉक करने के लिए फाइल ओपन ही नहीं कर सके, उसके दो तरीके हैं। अगर आप नया फाइल है, जब सेव कर रहे हैं, सेव करते समय आपके पास जो विंडो आता है, अभी जस्ट फाइल को सेव कर रहा हूं मैं, तो यहीं पे आपको नीचे दिखेगा टूल्स, यहाँ भी दिख सकता है और यहाँ भी दिख सकता है, वो विंडोज पे डिपेंड करता है। टूल्स में यहाँ हमारा पास है जनरल ऑप्शन, क्या है? जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में गया, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दीजिए, बिना पासवर्ड का आपका फाइल ओपन ही नहीं होगा। पासवर्ड एक पासवर्ड, उसमें दो पासवर्ड होंगे, अब जरूरी नहीं कि डालना है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते, कि अगर आपके पास ओपनिंग पासवर्ड है तो इसको ओपन कर सकते हैं, बट मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है तो रीड ओनली रिकमेंड कर दीजिएगा, तो रीड ओनली में फाइल को खोल के देख सकता है बट फाइल में किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर पाएगा।
लेकिन फाइल में सेव नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेव करने पर डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट नाम से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑलरेडी फाइल है उसी ने लॉक पासवर्ड लगाना, तो उसके लिए फाइल के अंदर इन्फो के अंदर यहाँ एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और यहाँ हम पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिए। अब आपका फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड लग गई। जब तक फाइल पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका फाइल ओपन नहीं होगा। तो ये थी हम